हाँ जी नमस्कार, कैसे आप सब लोग? हेलो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। सो भाई ये क्वेश्चन जो था, पैसे, रूबल, डॉलर, पैसा पैसा पैसा, कितना कमाते हो, रशियन कितना कमाते हैं, ये जो था सब कुछ, तो बहुत बहुत सोच समझ के हमने सोचा कि बहुत मेहनत करके भाई साहब, बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ा मैडम को, एक तो पकड़ में नहीं आती जल्दी से। अभी हम ऑफिस से आए हैं, हमें भी खाना बनाना है, कल के लिए पैकिंग करनी है क्योंकि टुमारो फ्राइडे है, 11 फरवरी बोल रहा हूँ, क्या है कल 11 सितंबर, और हम लोगों को जाना है सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, सो अब ये तो वीडियो सेंट पीटर्सबर्ग तो जब आएगी, अभी तो कजान टूर आएगा सब कुछ करके। सो आज मैं आप वीडियो में हम लोग बताने वाले आपको कि रशियन लोगों की सैलरी कितनी है, वो कितना कमाते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम। ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि सबकी एक अलग अलग सैलरी होती है, लेकिन जो ऑफिशियल कितनी है और लोग कितना कमाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर। प्लस मैं खोल रहा हूँ अपने इसमें कैलकुलेटर भी, कैलकुलेटर के साथ साथ एक्सी, क्योंकि एक्सी और कैलकुलेटर इसलिए काम आएंगे कि मैं कैलकुलेशन करके बता सकूँ आपको कि कितना होगा, ठीक है। और एक्सी इसलिए कि आपको डॉलर में भी बता दूंगा, रूबल में भी बता दूंगा, रुपीज में भी बता दूंगा, जैसा आपको इंटरेस्टेड लगे, क्योंकि रूबल तो मैं पता है, लेकिन डॉलर इसलिए कि आप एक कैलकुलेट कर लोगे कितना डॉलर का अगर आप लोग बाहर बैठे हो तो। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि भाई देखो अब ये मैथ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हमें पैसे जोड़ने हैं, काउंटिंग करनी है। मैं सीरियस बता रहा हूँ, मेरी मैथ बहुत कमजोर थी स्टार्टिंग से, बचपन से। तुम्हारी मैथ कैसी थी? बेकार थी, मेरी मैथ बहुत जीरो थी। मेरे चाचा से मेरी पिटाई होती थी पूरी, क्योंकि वो मेरे से बोलते थे कि टेबल सुनाओ, 2 से 20 तक के टेबल और सब करके, और हम गोली भैया हम गोली दे देते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ या था मेरे को 2 to 20 तक, 2 to 12 तो हो जाता था, 13 से आगे बस मैं गड़बड़, मैं लिख सकता था, मैं बोलता था लिखवा लो, लेकिन वो कहते नहीं सुना, कैलकुलेशन बड़ी बेकार थी। तो इस मैथ के लिए मैं आपको बताया था, क्योंकि वीडियो एक मैथ से ही जुड़ा हुआ है, पैसा हमेशा मैथ में ही आता है, मैं कैलकुलेट करना पड़ता है। हम इंडियन है, हमने जीरो दिया है दुनिया को, तो एक इंडियन ही साइट है, एप्लीकेशन है, क्यू मैथ। फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को ये मैथ सिखाते हैं ऑनलाइन। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको देख सकते हो, उस पर रजिस्टर्ड कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसा मेरी मैथ खराब थी तो मैं अपने बच्चों की मैथ खराब करूँगा, क्योंकि मेरा जो भांजा जो है इंडिया में, वो ये मैथ क्यू मैथ यूज़ कर रहा है, अभी वो शायद 5th 6th क्लास में है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी सजेस्ट कर सकता हूँ, आप लोग आपके कोई रिलेशन में हो जिनकी मैथ खराब हो, या फिर आप खुद सीखना चाहते हो, तो वो एक अच्छे तरीके से सिखाते हैं। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर सकते हो, क्यू मैथ करके। बहुत अच्छा लगा मैंने उनकी जो चेक करी साइट, कि भाई कैसे उनका तरीका है, ऑनलाइन फ्री क्लासेस भी देते हैं स्टार्टिंग में वो, सो आप वो चेक कर सकते हो। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक सैलरी के बारे में। भाई साहब आज ये ढंग से देखना पूरा एंड तक, और दोबारा प्लीज मुझसे मत पूछना फिर सैलरी के बारे में, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ आते हो कितना कमाओगे, कितना कमाते हैं, कितने मिलती है, सब करके आज फुल एंड फाइनल आपको बता देता हूँ। सो जी शुरुआत करते हैं, लेना बताओ पहले तो, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यह मिनिमम सैलरी कितनी है। देखो आपने पूरे रशिया के पूछे, पूरे रशिया के बताएंगे, मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेना बोलेंगे, मैं आपको सिर्फ कैलकुलेट कर रहा हूँ, शुरू। नहीं बोलो जो मर्जी तुम बोले यार, बोलना नहीं आता। तो मिनिमम सैलरी यहाँ है 11,000 से स्टार्टिंग है, और 11-12 हजार के आसपास ये मिनिमम सैलरी जो मिलना ही चाहिए, इसे कम दे नहीं सकते। जब डिपेंड होता है कि कितना बड़ा शहर है, बड़े शहरों में मिनिमम सैलरी ज़्यादा होती है। यहाँ मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में 17,000 के आसपास है। सो पहले 12,000 रूबल जो बनते हैं यहाँ पर, इसने 11-12 हजार जो बताया, 12,000 रूबल ले लेते हैं। 12,000 रूबल का इंडियन करेंसी में बैठता है राइट नाउ 11,741, डॉलर में बैठता है $159, ये मिनिमम है। आपको ये देना ही देना है, मंथ का है राइट, मंथ का। प्लस ये सैलरी आपका जो अलग स्टेट है ना, वहां पे बहुत कम हो सकती है, मे बी वहां सैलरी 3,000-5,000 भी देते हैं अनऑफिशियली। ऑफिशियल ये है जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल है, लेकिन अब लोगों का जैसे अब ये महामारी है तो उसके अंदर कुछ और काम नहीं चल रहा है, जो भी है इस वजह से, तो मिनिमम सैलरी 12,000 रूबल है। और छोटे शहरों में और छोटे गांव में तो सैलरी कम
होती है, पर वहाँ इस सैलरी के हिसाब से लोग रह सकते हैं, और उस सैलरी के साथ यहाँ मॉस्को में या कहीं बड़े शहर में हम सेवा नहीं कर पाएंगे। यहाँ रहने के लिए सबसे कंफर्टेबल है कम से कम 25-30 हजार होने चाहिए, पर ये भी सिर्फ सर्वाइवल के लिए है। और लोग कमाते, जो टीचर्स है, टीचर्स कम कमाते हैं, इनके सैलरी भी लगभग 30 के आसपास है, 30-35, और मैक्सिमम सैलरी का कोई लिमिट नहीं होता है। देखो मैं एक बता देता हूँ, जो 12,000 रूबल और जो बाहर उसमें है वो कम है, लेकिन लोग क्योंकि सरवाइव कर सकते हैं क्योंकि वहाँ ना खर्चे कम है, वहाँ जो महंगाई नहीं है इतनी। क्योंकि मैं भी गया था वल्गाग्राद टूर पे, तो मैंने तुम्हें दिखाया था ना कि कैफे में गया था, बहुत सस्ता था। वल्गाग्राद का टूर देख सकते हो, मैं पूरा प्लेलिस्ट यहाँ आई बटन में दे दूंगा। उसके अंदर इतना चीप लगा मुझे वहाँ पे जो हमने खाना पीना देखा, तो वहाँ पे सैलरी कम हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आप लेना बोल रही है कि 25,000 अगर मिनिमम अगर मिलता है, तो उसमें सर्वाइव वो ही कर सकता है जो रशियन हो कम से कम, क्योंकि उसके पास अपना फ्लैट हो सकता है अगर हुआ तो। क्योंकि यहाँ पे आपको अगर रेंट बताऊंगा ना, इतना महंगा होता है, 12,000-15,000 मिनिमम है अगर किसी के साथ आप शेयरिंग करोगे, ठीक है। अगर आप 25,000 मिल रहे हैं, 12-15,000 ये तो आप खाओगे पियोगे क्या, तो ये बहुत कम है। अब मैक्सिमम जो बोल रही है सैलरी कितनी है, देखो 25,000 रूबल स्टार्टिंग है यहाँ से, ठीक है। अब सैलरी तो यहाँ बढ़ती रहती है, अब 25,000 का भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्यों बेकार में, अरे 25 लाख हो गया है तो। तो 25,000 रूबल का अगर देखा जाए तो 333 डॉलर बनता है, और इंडियन रुपीज में बनता है 24,473। लेकिन अब जो इन लोगों को सैलरी मिलती है प्लस इनको बोनस मिलता है ईयर में, दूसरा आप अगर एक्स्ट्रा डे आते हो, अगर ऑफिशियल जॉब है तो सिटिंग सैलरी या प्रीमियम का वो भी मिलता है, हमें भी मिलता है, पर हर किसी कंपनी का अलग है, ये अपने बॉस के ऊपर। प्लस मैंने जो यहाँ पर एक अपना कैलकुलेशन किया कि लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं उनकी इतनी कितनी सैलरी होती होगी, तो गेम सैलरी का नहीं है, फिर गेम सैलरी के बाद कमीशन का होता है। आपकी कंपनी आपको परसेंट देती है आपके काम करने के ऊपर, मतलब कि आप कुछ अगर सेल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो उसके अंदर आपकी एक सैलरी तो ड्यू है, मतलब कि आपको 1,000 डॉलर मिलना है वो तो आपकी सैलरी होगी, लेकिन प्लस आप कितना अच्छा काम करते हैं आपको उस पर कमीशन मिलता है, और पता नहीं कितना मिलता है। आपके पास BMW मर्सिडीज पोर्श ऐसे नहीं है, आप ऐसे ही। अच्छा यहाँ पे एक फायदा और है, लोग इसलिए ऐसा लगता है अमीर ये गाड़ी ये मोबाइल, यहाँ 0% पे ज्यादातर वो चीज चलती है, या फिर क्रेडिट बहुत लेते हैं लोग, लोन्स बहुत लेते हैं, लोन लेके फिर उनको अपना धीरे धीरे अपनी सेल रिपेयर अपने जो परसेंट आता है उस पर पे करते रहते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में तो दिखा रहे हैं वाह इस पे BMW है मर्सिडीज है, लेकिन ये नहीं पता कि वो लोन पे चल रही है। भाई इंडिया में भी लोन बहुत होता है, लेकिन इंडिया में बड़ी गाड़ियां टू व्हीलर ज्यादा है, इंडिया में फोर व्हीलर का इतना हो नहीं, लेकिन यहाँ फोर व्हीलर ज्यादा है क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे सर्दियाँ इतनी पड़ती है, उसके अंदर आप मोटरसाइकिल और ये सब नहीं है, वो तो शौक के लिए लोग लेते हैं गर्मियों में कुछ चलाने के लिए, वैसे भी यहाँ मौसम तो बहुत जल्दी बदल जाता है। और चीज क्या बोलेंगे, जिससे तो सभी दिखाने के लिए, इंडिया में ऐसा नहीं होता। मैंने देखा कि इंडिया में लोग पैसा रखते हैं हाँ ज्यादा, यहाँ पे देखो ये चीज मुझे इंडियंस की प्लस लगती है कि इंडियंस लोग अपने पास थोड़ा जोड़ के रखते हैं, ठीक है, सेविंग्स रखते हैं कुछ। अगर वो एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है इंडियंस के लिए और यहाँ के जो लाइफ स्टाइल वाले में क्या चीज़ है, और कुछ माइनस और प्लस पॉइंट इंडियन वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन ये प्लस पॉइंट है कि इंडियंस लोग कुछ सेविंग करते हैं, उससे क्या होता है कि अब रशियंस क्या है प्रेजेंट में जीते हैं। कहने के लिए ये भी अच्छा है कि प्रेजेंट में जियो भाई, फ्यूचर का कौन सोचे, लेकिन 2-3% फ्यूचर का भी सोचो। अब ये लोग क्या करते हैं, सैलरी पे चल रहे हैं, क्रेडिट पे टूर लेंगे, क्रेडिट पे टूर और ये सब चीज देंगे, लाइक शो ऑफ है या प्रेजेंट में जीना है मस्त, अबे यार अभी जिंदगी है, लियो आईफोन आया नहीं खरीद लिया सबके पास, हर दूसरे दिन आईफोन है, क्रेडिट पे ले लिया, अब टूर ले लिया, अभी प्रॉब्लम कितनी हुई जब पीछे भी चल रही थी बीमारी, अब उन्होंने टूर वूर ले लिया, टूर करिया है घूमिया है, अब उनको पे कर रहे हैं, धीरे धीरे देते रहेंगे यार कोई दिक्कत नहीं है अब। लेकिन जब बीमारी आ गई, कई लोगों की जॉब चली गई, काम बंद हो गए, शॉप्स मॉल्स सब कुछ बंद हो गए, अब कहाँ से दोगे, सैलरी तो आ नहीं रही। वो तो कुछ कंपनी है अगर वो कुछ दे रही हो या फिर जो भी ऑफिशियल जितना थोड़ा बहुत, लेकिन आपका तो खर्चे तो पूरे हैं, आपको और भी तो खर्चे पे करने। प्लस अगर आप रशियन हैं वही मैंने बताया, और अगर आप अपने घर में हैं और
खर्चे कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप अपने घर में हैं, उसमें थोड़ा रेंट कम होता है और आपको कुछ और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और मैं कह सकता हूं कि देखो अगर मॉस्को में यहाँ के रे में आप अगर 50,000 की सैलरी मिलती है एक इंसान के लिए तो काफी नॉर्मल रह सकते हैं, ना ज्यादा अमीर ना ज्यादा गरीब, नॉर्मल लाइफ रेंट के लिए, मतलब आप खुश रह लोगे। हाँ आप खुश रह लोगे अगर पर बचा नहीं पाओगे कि गाड़ी लेने के लिए। हाँ मतलब कि आप सेविंग्स इतनी नहीं कर पाओगे, गाड़ी रह सकते हैं रह सकते अभी इसी वक्त ऐसा कर सकते हैं, सेविंग्स नहीं कर पाएंगे 50,000 में भी। मैंने ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी कि कई लोग इंडियन लोग जितने पूछते हैं भैया वहाँ कितनी सैलरी है कितना मिलेगा हमें, इंडियन लोग अगर जॉब पे आते हैं तो उनके ऊपर डिपेंड ये है कि आपको कंपनी क्या पैकेज दे रही है। लाइक आपको $500 का पैकेज दे रही है लेकिन उसके साथ आपको वीजा रहना खाना पीना सब अलग से फ्री दे रही है। अगर आपको बोलती है कि मैं आपको $500 दे रहा हूँ और आपको रहना खाना पीना सब उसमें ही है तो आप कुछ नहीं बचा पाओगे। हाँ। आप भेजना तो बहुत दूर छोड़ो कि भाई इंसान दूसरे देश जा रहा है तो अपने लिए नहीं, सही फैमिली को कुछ दे दें 2-4 हजार कुछ तो कुछ नहीं बचेगा, सब खर्चा हो जाएगा क्योंकि मॉस्को बहुत एक्सपेंसिव है, 25% में भी महंगा है इंडिया से। ये मैं बता मेरे ख्याल से कि अगर आप यहाँ काम करना चाहते हैं तो पहले पता करो कि आपको हाथ में खुद के खर्चे के लिए कितना प्योर सैलरी कितना पैसा आएगा हाथ में, कम से कम 30,000 होना चाहिए बस आपने लिए किसी किराए के अलावा खाने के अलावा बस आपके हाथ में होना चाहिए 30,000। अगर इससे कम होगा आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि खाना पीना रहना सब कुछ और ट्रेवल करना मतलब ट्रांसपोर्टेशन सब खा जाएगा। सो आई होप कि सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। हाँ। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट में बताओ, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, प्लस हमारे ट्रेवल व्लॉग चल रहे हैं आप लोग देखो, अपना सपोर्ट करो, प्यार दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए प्यार ही चाहिए बस। बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दस्तिदानियां।